अरे माँ जी, अब मैं क्या कहूँ, कैसी तुम्हारी मर्जी हो। अरे बेटा, मैंने खूब मालदार घर की बहू देख रखी है, वो अपने संग खूब सारा दहेज और खूब सारा पैसा लेकर आएगी, जिससे हम भी मालदार हो जाएंगे। अरे माँ जी, अब तुमसे क्या छुपाना, मैं भी एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे बेटा, तू तो मुझसे दो कदम आगे निकला, कौन है वो लड़की? वो मालदार तो है ना, जो हमें खूब सारा माल दे सके वो। अरे माँ जी, नहीं नहीं, जो हमारे कॉलेज में चपरासी है ना, वो उनकी लड़की है। अरे बेटा, हमारे दिन इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि हम चपरासी की लड़की को अपनी घर की बहू बना के लेके आएंगे। अरे माँ जी, तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर वो चपरासी की लड़की है तो क्या हुआ? ये तो किस्मत की बात है, कोई ज्यादा अमीर होता है तो कोई ज्यादा गरीब होता है। अरे बेटा, कान खोल कर सुन ले, मैं किसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। अरे माँ जी, तुम अपनी जिद्दाड़ी रहो, मैं अपनी जिद्दाड़ा रहूंगा। मैं तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो मैं किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे बेटा, ये क्या, मेरा मना करने के बावजूद भी तू उस लड़की को शादी करके घर ले आया, ये पता नहीं इसका बाप एक चपरासी है। माँ जी, सबको छोड़ो और गुस्सा छूट दो, आओ गौरी माँ का आशीर्वाद ले लो। अरे माँ जी, नमस्ते, हमको आशीर्वाद दे दो। अरे वो लड़की, कान खोल के सुन ले, अगर तूने मेरे पैर पकड़ लिए तो तू ये मत समझना कि मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया और मैंने तुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। माँ जी, तुम आशीर्वाद दो या मत दो, मैं इसी घर में किसी कोने में पड़ी रहूंगी और आपकी सेवा करती रहूंगी। अरे गौरी, मुझे याद आया, आज तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना था। अरे नलायक बेटा, एक इंटरव्यू देने जा रही है। अरे माँ जी, तुम्हें पता नहीं है ये IAS की पढ़ाई कर रही। अरे नलायक, तूने अपनी जिंदगी में कोई समझदारी का काम किया है, कितनी अच्छी बहू लेके आया है। अरे दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।